अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उवैस रज़ा नूरी। कलियर शरीफ उत्तराखंड की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनको हम साबिर पाक कहते हैं, साबिर पाक का सालाना उर्स मुबारक मनाया जाता है। ये उर्स मुबारक में लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं। ये उर्स मुबारक कब है, कौन सी तारीख में है, किस दिन होगा, अंग्रेज़ी कौन सी तारीख होगी, चांद की कौन सी तारीख होगी, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और आपको कब कलियर शरीफ उत्तराखंड में आना चाहिए और कौन कौन सी रस्में किस किस दिन मनाई जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि जो लोग उर्स साबिर पाक में आना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी और वो उर्स में शामिल हो जाएंगे। साबिर पाक का उर्स मुक़द्दस 755वां ये उर्स मुबारक है और ये 16 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। साबिर पाक की दरगाह शरीफ पर परचम कुशाई होगी और फिर 16 ही दिसंबर को चांद दिखाई देने पर रात बाद नमाज इशा मेहंदी दौरी की रस्म अदा होगी। साबिर पाक का 755वां उर्स मुबारक 16 दिसंबर को ये स्टार्ट हो जाएगा, ये आगाज़ 16 दिसंबर को हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 27 दिसंबर 11 रबीउल अव्वल को छोटी रोशनी होगी और 28 दिसंबर 12 रबीउल अव्वल को बड़ी रोशनी होगी। 29 दिसंबर 13 रबीउल अव्वल शरीफ को कुल शरीफ होगा, यानी जो उर्स का मेन दिन है, जो उर्स का अहम दिन है वो है 29 सितंबर 13 रबीउल अव्वल शरीफ को कुल शरीफ होगा। फिर उसके बाद 30 दिसंबर 14 रबीउल अव्वल शरीफ को गुस्ल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। उर्स के सभी रस्में ये वहाँ के सज्जादा नशीन हैं, उनकी सरपरस्ती में तमाम रस्में होंगी। मगर एक बात का आप ख्याल रखें, ये जितनी भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी रस्में हैं, जिस तारीख में आपको बताई गई हैं, ये 29 के चांद के अनुसार है। 29 का चांद अगर होगा तो उसके तहत ये आपको बताई गई है। अगर 30 का होता है तो एक दिन फिर बदल जाएगा, यानी 30 का हो या 29 का हो, ठीक है, उसी हिसाब से आप आगे पीछे कर लें, ठीक है। ये साबिर पाक के उर्स मुबारक की पूरी जानकारी आपको दी गई है, तो आप साबिर पाक के 755वें उर्स मुक़द्दसा में आप ज़रूर शामिल हों और वलियों के फैज़ान से मालामाल हों। यकीनन ये उर्स का बहुत पुरकैफ मंज़र होता है। अल्लाह के फजल व करम से हमारा भी वहाँ पर उर्स मुक़द्दसा के मौके पर जाना हुआ है। आप तमाम लोग ज़रूर शामिल हों और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।